गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। संचरा इंटरनेशनल स्कूल की वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा, हम साइंस कर रहे थे, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट हमने कर लिया था, फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर का नाम था अवर बॉडी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए थे, किसी बच्चे ने उसके जो आंसर मैंने बोले थे वो लिखकर ग्रुप में सेंड नहीं किए, तो ये बहुत बुरी बात है। जितना भी काम आपको दिया जाता है तो उसे उसको सॉल्व करें, और उसके जो मैंने जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ उसके आंसर लिखें, कॉपी पर लिखें, लिखने के बाद उसको सेंड करें इस ग्रुप में, जो आपका क्लास का ग्रुप है उसमें सेंड करें उसकी फोटोग्राफ्स। तो बेटा, हमने कर लिए थे, हम कर रहे थे आवर बॉडी। इसमें हम टू टाइप्स की हैं, इंपॉर्टेंट है, टू टाइप्स, इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। टू टाइप हम कर रहे थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स हमने कर लिए थे। इंटरनल ऑर्गन की डेफिनेशन क्या थी? इंटरनल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के इनसाइड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल ऑर्गन्स। और आगे डेफिनेशन, ये ब्रेन भी हमने कर लिया था। ब्रेन का फंक्शन क्या, ब्रेन हमें क्या करता है, सोचने और समझने में हेल्प करता है। ब्रेन किसमें हेल्प करता है, जी ब्रेन की पिक्चर थी, ब्रेन हम हेल्प करता है सोचने और समझने में। और हार्ट की, ये हार्ट है, ये हार्ट की पिक्चर है, और ये क्या करता है, हेल्प अस टू पंप दी ब्लड। जो आपके ब्लड को पंप करता है वो कौन करता है, हार्ट करता है। जब वो आप ब्लड को पंप होता तो वो सर्कुलेट होकर आपके जितने बॉडी के पार्ट्स हैं सब में चले जाता है, आपका ब्लड चले जाता है। इसमें हेल्प कौन करता है, हार्ट हेल्प करता है। आगे हमारा आ गया जी, जी हमने कर लिया था सर। और आगे है स्टमक, आज का न्यू टॉपिक है स्टमक। वी ईट फूड विद अवर माउथ। जब आप खाना खाते हो किसके थ्रू खाते हो, माउथ के थ्रू। और आगे जब फूड, अब आगे माउथ में जब खाना आप चबाते हो आगे किसमें चले जाता है, फूड पास थ्रू अ स्मॉल पाइप इज कॉल्ड फूड पाइप। नीचे क्या होती है आपके, एक पाइप की तरह होती है, उसको क्या बोलते हो, फूड पाइप। जब आपने मुंह में खाना डाल लिया, उसको चबा लिया, और नीचे वो किसमें चले जाएगा, आपके फूड पाइप में, एक फूड की तरह स्मॉल पाइप होती है, उसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप। फूड पाइप इज कनेक्टेड टू अस बैग लाइक ऑर्गन इज कॉल्ड स्टमक। जो फूड पाइप है वो आगे किससे, किसके साथ कनेक्ट होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं आप, स्टमक। ये आपका स्टमक है, इसके ऊपर ये क्या है, ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप है, जहां पर आपका क्या होगा, माउथ होगा, जहां से आप खाना लोगे, अंदर चबाओगे, और नीचे फूड की पाइप के जिके जरिए नीचे इसमें स्टमक में आ जाएगा। और हाँ, जहां पर आपका फूड क्या हो जाएगा, स्टमक हेल्पस डाइजेस्ट दी फूड, जहां पर आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो स्टमक का क्या फंक्शन है, अगर कोई आपसे पूछ ले स्टमक का हमारे बॉडी में क्या काम है, तो स्टमक क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो स्टमक की पिक्चर स्ट्रक्चर कैसी होती है, बैग लाइक, किस कैसी होती है, बैग लाइक ऑर्गन है, एक बैग की तरह है। ओके बेटा, इसके ये ऊपर किसके साथ कनेक्टेड होता है, फूड पाइप के साथ। ओके बेटा, तो आगे लंग्स। ह्यूमन बॉडी बॉडी हैज अ टू लंग्स, ये लंग्स की पिक्चर है। अगर कोई आपसे पूछ ले हमारी बॉडी में कितने लंग्स हैं, टू। ह्यूमन बॉडी हैज अ टू लंग्स, कितने हैं, टू लंग्स। दीज लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, जो ये लंग्स है वो किसमें हेल्प करते हैं, आपको सांस लेने में, किसके लिए आप किसमें हेल्प करते हैं, सांस लेने के लिए। कौन सा आपका बॉडी का पार्ट हेल्प करता है, लंग्स। कितने लंग्स होते हैं आपकी बॉडी में, टू लंग्स, एक को लेफ्ट बोल देते हैं, एक को क्या बोल देते हैं, राइट लंग्स। एक को लेफ्ट बोलेंगे हम लेफ्ट लंग्स, और एक को क्या बोलेंगे, राइट लंग्स। जो आपकी राइट साइड होगा उसको आप राइट लंग्स बोलोगे, जो आपकी लेफ्ट साइड होगा उसको क्या बोलोगे आप, लेफ्ट लंग्स, उसको लेफ्ट लंग बोलोगे आप। ओके बेटा, दे फिल अप विद एयर व्हेन वी ब्रीथ, जब आप, ये किसके साथ फिल हो जाता है, एयर के साथ, जब आप क्या सांस लेते हो, जब आप सांस लेते हो ना, अभी अभी लेकर दिखाओ ना सांस, अभी लो सांस, जब आप अपने आगे लेकर क्या जाते हो, जब आप सांस लेते हो बीच में लेकर क्या जाते हो,
एक टाइम एयर अंदर लेकर जाती है वन टाइम, और दूसरे सेकंड टाइम क्या करती हो आप, जब सांस बाहर निकालती हो तब आप एयर को बाहर निकालती हो। जब आप इनहेल करती हो, मींस इंग्लिश में बोलते हैं इनहेल और एक्सहेल, जब आप इनहेल करती हो, इनहेल का मतलब जब आप एयर को आप फिल करती हो लंग्स में, तो लेकर क्या जाती हो, कौन सी गैस लेकर जाती हो, ओ टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेकर जाते हो और बाहर क्या छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बेटा, ये हाई लेवल का आ गया, आपकी बड़ी क्लास में आएगा। बस आपने इतना ही याद रखना है आपकी बॉडी में कितनी लंग्स हैं, टू लंग्स हैं, और लंग्स क्या करते हैं, सांस लेने में कौन सा बॉडी का पार्ट हेल्प करता है, लंग्स हेल्प करते हैं। ओके बेटा, बस लेफ्ट कितने लंग्स होते हैं, लेफ्ट इसके नाम क्या होते हैं लंग्स के, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट, जो आपकी राइट साइड होगा राइट और जो लेफ्ट साइड होगा लेफ्ट। आगे क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स प्रेजेंट आउटसाइड दी बॉडी एंड कैन बी सीन, जो हमें दिखाई देते हैं और जो आउटसाइड की हमारी बॉडी के बाहर होते हैं उसको क्या बोलते हैं आप, एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हो। इसकी एग्जांपल क्या है, हैंड्स है, लेग्स है, फिंगर है, आईज है, नोज है, हेड है, ये सभी दिखाई देते हैं ना हमें, जो हाथ है हमारा वो भी हमें दिखाई देता है, लेग्स भी दिखाई देते हैं, फिंगर्स भी, आईज भी, नोज भी, उसको क्या बोलते हैं आप, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ, जो बॉडी के इन साइड होते हैं, जो क्या होते हैं बॉडी बॉडी के इन साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन हमें दिखाई नहीं देते। ओके बेटा, जैसे आपने ब्रेन हार्ट आपने कभी देखा नहीं ना, ना ही आपने क्या स्टमक देखा है कभी, ना आपने लंग्स देखे हैं, तो या एक्सटर्नल ऑर्गन क्या होते हैं, जो आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, या कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड आउटसाइड दी बॉडी प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं आप, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जैसे फिंगर्स, लाइक्स फिंगर्स, आईज, नोज, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब आगे देखेंगे इसके एक्सटर्नल ऑर्गन के यूज क्या है। लेग्स, लेग्स एंड फीट हेल्प अस टू वॉक, रन, किक एंड क्लिंब। जो आपके आपके लेग्स लेग्स होती हैं वो किसमें आप उसके साथ क्या करते हो, दौड़ते हो। ओके बेटा, रनिंग करते हो, पैदल चलते हो, रनिंग करते हो, किसी फुटबॉल को किक मारते हो। ओके बेटा, जंप करते हो, ये किसकी हेल्प से करते हो आप, लेग्स की हेल्प से, पाँव की हेल्प से। ओवर आर्म शोल्डर, आर्म एंड शोल्डर एंड हैंड, पुश एंड पुल, एनी होल्ड और टच लिफ्ट है। आप अपने हाथों से और अपनी जो आर्म्स होती हैं उससे क्या किसी भी चीज को आप क्या करते हो, हाँ किसी भी चीज को आप क्या करते हो, पकड़ने में हेल्प करता है जी आपके। हाँ, अब देखो जी, किसी को अपने आपने पुश करना हो तो किसे करते हो, हाथों से। किसी को पकड़ बुक को होल्ड करते हो तो वो भी अपने हाथों से, टच करते हो अपने हाथों से। किसी को उठाते हो अपने हाथ और पाँव, हाथ और जो आपकी आर्म्स है दोनों काम आती है इसमें। आगे क्या है, वी यूज अवर बैक स्टैंड राइट एंड बेंड। जब आपकी जो बैक है, बैक किसमें काम आती है, अगर आपने ऊपर खड़ा होना हो तब बैक का काम आता है, जब आपने बेंड होना हो फॉरवर्ड, जब आपने सीधा बेंड होना हो इसमें बैक का काम है। नोज, नेक, सॉरी नेक किसमें हेल्प करती है, जब आपने अपना फेस को टर्न करना हो, जब आप लेफ्ट साइड देखते हो, राइट साइड देखते हो, सीधा देखते हो, तो उसमें कौन हेल्प करता है आपकी, नेक, नेक हेल्प करती है आपकी। ओके बेटा, दीज आर दी एग्जाम्पल है आपकी। ओके बेटा, ये उसके काम थे जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन थे, वो आगे सेंस ऑर्गन है जी, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बस आपके लिए इतना ही काफी है, इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल ऑर्गन, इसमें आपने सभी का सभी करना है। ओके बेटा, आज का आपका क्वेश्चन है स्टमक ऑर्गन, फिर से मैं आपको बता देता हूँ स्टमक का फंक्शन क्या। स्टमक आपकी स्टमक की पिक्चर कैसी होती है, बैग लेग पिक्चर होती है। इसका काम क्या है, व्हाट इज दी फंक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक हेल्प अस टू डिजेस्ट दी फूड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपने आज लिखना है, व्हाट इज दी फंक्शन ऑफ स्टमक, तो इसका क्या आएगा, यहाँ से आंसर आएगा जी लास्ट लाइन। तो आगे क्या है, लंग्स का फंक्शन क्या है, इसकी ये लाइन है कि हेल्प अस टू ब्रीथ, सांस लेने में हेल्प करता है। हाउ मेनी लंग्स, टू, इसका आंसर ये आएगा, कितने लंग्स हैं, टू लंग्स हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन की डेफिनेशन ये आएगी, जो हमें आउटसाइड दी बॉडी प्रेजेंट होते हैं और जो हमें दिखाई नहीं देते, ये इसका आंसर आएगा, ये भी कॉपी पर लिखना है। और डिफरेंस क्या है इस दोनों में, जहाँ से और जहाँ से, दोनों को उठाकर लिख देना, ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। ओके बेटा, जितना भी काम आपको दिया है प्लीज आपने करना है, और जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं बोले हैं मैंने, कॉपी पर लिखिए, कल वाले भी लिखिए, और इस ग्रुप में आपने इसको सेंड करना है।
तो बस इतना ही है, उसको याद कर लेना, उसको समझ लेना। अगर नहीं समझ आता तो मैसेज कर देना ग्रुप में, फिर से समझा देंगे। तो जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा वो भी यूट्यूब पर चले जाना, जिस चैनल है ना संचरण इंटरनेशनल स्कूल का, उसमें मैंने ऊपर हेडिंग डाला है ओवर बॉडी लेक्चर 1, इसका भी मैं डाल दूंगा लेक्चर 2। जिन्होंने पहला नहीं देखा वो पहले, अभी पहले ये कल वाला देख लेना, फिर नेक्स्ट देखना, तो फिर आपको पता चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।